نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے جوائے مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علامہ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا سبب ایک تو یہ ہے کہ یوم اقبال بھی گزرا ہے، اور دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر
जो अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो मुहिम चली हुई है काफिरों की, वो अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमलावर हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हस्ती हैं जो अपने दौर के अजीम वकील थे, अपने दौर के अजीम एडवोकेट थे, अपने दौर के बहुत बड़े सियासतदान थे। और इतने बड़े सियासतदान जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के बनाने के अंदर अपना इतना अहम किरदार अदा किया कि कौम ने आपको मुसव्वर पाकिस्तान का लकब दे दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत बड़े शायर भी थे, और इतने बड़े शायर के फन शायरी जानने वालों ने आपको शायर मशरक का लिया वो लकब दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात के अंदर बेशुमार खूबियाँ थीं, लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़िक्र मिंबर रसूल पर क्यों होता है? मिंबर रसूल के ऊपर, मुसल्ला रसूल के ऊपर, मसाजिद के अंदर, महाफिल के अंदर अल्लामा इकबाल का ज़िक्र क्यों होता है? अगर उनके वकील होने की वजह से उनका ज़िक्र होता है तो उस दौर के अंदर बड़े बड़े चोटी के वकला थे, और भी बड़े बड़े एडवोकेट थे, और भी बड़े बड़े कानून दान थे, कानून जानने वाले थे, फिर उनका ज़िक्र क्यों नहीं होता? अगर अल्लामा इकबाल का ज़िक्र एक अजीम सियासतदान होने की वजह से, मुसव्वर पाकिस्तान होने की वजह से होता है, तो फिर और भी पाकिस्तान के बनाने के अंदर किरदार अदा करने वाली अजीम शख्सियात हैं, उनका ज़िक्र इस कसरत के साथ मिंबर रसूल पर क्यों नहीं होता? अगर कहा जाए कि वो शायर मशरक थे, वो बहुत बड़े शायर थे, इसलिए उनका ज़िक्र मिंबर रसूल पर होता है, मसाजिद के अंदर होता है, दीनी महाफिल के अंदर होता है, तो उस दौर के अंदर और भी बड़े बड़े शुआरा थे, फिर इस कसरत के साथ उन तमाम शुआरा का ज़िक्र क्यों नहीं होता? इस कसरत के साथ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़िक्र जो मिंबर रसूल पर होता है, जब इसकी तहकीक में हम पढ़े कि आखिर वो वजह क्या है जिस वजह से अल्लामा इकबाल का ज़िक्र जो है वो मिंबर रसूल पर होता है, तो हमें पता चला कि अल्लामा इकबाल का ज़िक्र इतनी कसरत से होने की वजह आपका सियासतदान होना नहीं है, इतनी कसरत से अल्लामा इकबाल का ज़िक्र होना आपका सियासतदान होना नहीं है, आपका एडवोकेट होना नहीं है, आपका कानून दान होना नहीं है, बल्कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़िक्र मेहराब व मिंबर में फ़कत इसलिए होता है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक सच्चे और पक्के आशिक़े रसूल थे, एक सच्चे आशिक़े रसूल थे, इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़िक्र आज मेहराब व मिंबर में होता है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने पक्के और इतने सच्चे सुच्चे आशिक़े रसूल थे, जब नाम मोहम्मद को सुनते तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, दिल मचल जाता, और अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत में तड़पना शुरू हो जाते। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये नज़रिया था कि ये उस हस्ती का नाम है, ये उस हस्ती का जिक्र हो रहा है जिसके सबब से रब कायनात ने इस सारी कायनात को तख्लीक फरमाया है, ये सारी कायनात जिनकी वजह से मार्ज वजूद में आई है, उस कायनात की सबसे अजीम हस्ती का जिक्र हो रहा है, इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दिल मचल उठता था। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी इश्क रसूल के अंदर गुजारी है, और ख़ुद इश्क रसूल में तड़पते हुए मचलते हुए कहते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो,
बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। और फिर कहते हैं खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। अल्लामा इकबाल ने अपने इन अशार के अंदर आका दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को फूल से तशबीह दी है, और यह लकब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दिलाया है कि गोया रब्बे कायनात फरमा रहा है हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। फरमाया अगर ये फूल ना होता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के अंदर जो मैंने फूल पैदा किया है, अगर ये फूल मबऊस ना होता, अगर ये फूल ना होता तो दुनिया के किसी बाग के अंदर कोई बुलबुल भी चहचहाने वाली ना होती। अगर आज बुलबुलें चहचहा रही हैं तो इसी नाम के सबब से चहचहा रही हैं कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो और चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। आज ये चमन के अंदर बाग के अंदर जो फूल लहलहाते हुए तुम देखते हो ये भी नाम मोहम्मद के सदके से लहला रहे हैं। इनको भी चमक और इनको खुशबू जो मिली है वो नाम मोहम्मद के सदके से मिली है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्मे तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। फरमाया अगर ये साकी ना होता, ना कहीं शराब मिलती, ना कोई शराब पीने वाला होता, और अगर इस महबूब को नाम मोहम्मद वाले महबूब को अगर मैंने दुनिया में पैदा न करना होता, न मैं अपनी तौहीद का इजहार करता, ना कायनात के अंदर तुम्हें जिंदगी मिलती। अगर तुम्हें जिंदगी मिली है और मेरे तौहीद का इजहार किया है तो इस नाम मोहम्मद के सदके से किया है। और फिर फरमाते हैं खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं ये सातों आसमान जो साहिबान की तरह तुम्हारे सरों पर खड़े हैं, तुम क्या समझते हो ये ऐसे ही बगैर सबब के, बगैर किसी सुतून के खड़े हैं? नहीं नहीं। फरमाते हैं इन सातों आसमानों के खड़े होने का भी एक सबब है, एक वजह है, एक हस्ती की वजह से ये सातों आसमान खड़े हैं। आप फरमाते हैं खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। ये आसमान बगैर किसी सबब से नहीं खड़े हैं, बल्कि ये खड़े हैं तो नामे मोहम्मद के सदके से खड़े हैं। खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़े हस्ती, जिंदगी की नबज़े गर्म, जिंदगी के अंदर अगर सांस बाकी है, ये कायनात अगर चल रही है तो वो भी नामे मोहम्मद के सदके से चल रही है। नबज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये इश्क कहाँ से मिला? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह रमूज़े बेखुदी के अंदर अपना बचपन का वाकया नकल फरमाते हैं, और इरशाद फरमाते हैं कि बचपन में एक मरतबा मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और एक भिखारी, भीख मांगने वाला मेरे दरवाजे पर आया। मैं छोटा सा बच्चा था, दरवाजे पर गया तो उसने भीख मांगी, मैंने इनकार किया तो वो इसरार करना शुरू हो गया, जैसे बाज़ फुकरा ज़िद करते हैं कि दें जी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर दें। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वो ज़िद करने लगा तो मैं गुस्से में आ गया, मैंने उसे कोई चीज़ उठा के मार दी, उसे धक्का दिया, वो दूर जा गिरा, उसका कशकोल भी जाकर दूर गिर गया। फरमाते हैं मेरे वालिद को इस बात की खबर हुई तो मेरे वालिद तड़पते हुए तोड़ते हुए पहुँचे, आंखों से आंसू जारी हैं और रोते हुए उस फकीर के सामने हाथ बांध करके उससे माफ़ी मांग रहे हैं। कहते हैं गलती तो मैंने की थी, उस फकीर को धक्का तो मैंने दिया था, मारा तो मैंने था, लेकिन मेरे वालिद की हालत देखकर मैं खुद तशवीश के अंदर मुब्तला हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई कि मैंने इतना बड़ा गलत काम कर दिया है। काश आज हमारे यहाँ भी वालिदैन ये रवैया अख्तियार कर लें कि बच्चा कोई बुरा अमल करके आए तो वालिदैन उसका सदबाब करने के लिए जाएं, जब वालिद खुद किसी फकीर से जाकर माफ़ी मांग रहा होगा फिर बच्चे को पता चलेगा कि मैंने कितना बुरा अमल किया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मेरा दिल मचल गया कि मेरे वालिद को इतनी तकलीफ हुई और मेरे इस अमल की वजह से। फरमाते हैं मेरे वालिद ने उससे माफ़ी मांगी, उसको कुछ दिया, तोहफा दिया और फिर उसको रवाना किया। और फिर फरमाते हैं रोती हुई आंखों से आंसू को साफ करते हुए मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बिठाया और मुझे नसीहत फरमाई और कहा बेटा इकबाल, अगर बरोज़ महशर जब मैदान महशर लगा हुआ होगा वहाँ पर तमाम अंबिया भी होंगे, तमाम औलिया भी होंगे, तमाम सूफिया भी होंगे, तमाम अहले बैत भी होंगे, तमाम सहाबा भी होंगे, तमाम उशाकान मुस्तफ़ा भी होंगे, तमाम गाजियान इस्लाम भी होंगे, तमाम उलमाए हक भी होंगे, और उस बड़े मजमे के अंदर
अगर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि बता रब ने तुझे एक बेटा दिया था तो उसकी भी तरबियत ना कर सका तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं आका की बारगाह में क्या जवाब दे सकूंगा। अगर हुजूर ने पूछ लिया कि एक शख्स तेरे हवाले किया था तो उसकी भी सही तरबियत ना कर सका। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मेरे वालिद मोहतरम के ये जुमले सीधे मेरे दिल के अंदर दाखिल हुए और मैंने इन जुमलों को अपने पल्ले बांध लिया और सारी ज़िंदगी फिर इश्क मुस्तफ़ा में गुजारी, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी और इन जुमलों का इतना असर था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह विसाल से 3 दिन पहले बिस्तरे अलालत पर हैं और क्या फरियाद कर रहे हैं। तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़र हाय मन पज़ीर, वर हिसाबम रात बीनी ना गुज़ीर, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बिगी। अल्लाह अकबर। ये फारसी का शार है, तर्जमा आपके सामने पेश करता हूँ, आपको लुत्फ आएगा कि अल्लामा इकबाल की आजजी और इनकी सारी देखिए। इतना बड़ा आशिक रसूल, शायर मशरक और आजजी का यह आलम है कि बिस्तरे अलालत पर भी अर्ज कर रहे हैं, या बारी ताला तू गनी है, तू दो आलम का बादशाह है, मैं तो फकीर हूँ, गुनाहगार बंदा हूँ, या बारी ताला अगर बरोज़ महशर मेरा नामे आमाल खोलना हुआ तो मुझ गुनाहगार का नामे आमाल रसूलुल्लाह की निगाहों के सामने ना खोलना, मेरा नामे आमाल हुजूर की निगाहों से पोशीदा रख के खोलना, या बारी ताला मेरा नामे आमाल ऐसा नहीं है कि मेरा नामे आमाल जब खुले तो मैं हुजूर का सामना कर सकूं, या बारी ताला मेरा नामे आमाल जब खोलना हुआ तो हुजूर की निगाहों से पोशीदा करके खोलना। तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उज़र हाय मन पज़ीर, वर हिसाबम रात बीनी ना गुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बिगीर। हम अगर तारीख़ का मुताला करें तो हमें तारीख़ में दो शख्सियात ऐसी नज़र आती हैं जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से उम्मत के दिलों के अंदर जज्बाए इश्क मुस्तफ़ा को बेदार किया है। दो शख्सियात ऐसी नज़र आती हैं। पहली शख्सियत हकीमुल उम्मत मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हस्ती है और दूसरी हस्ती इमाम अहले सुन्नत मुजद्दद दीन व मिल्लत आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम इश्क़ मोहब्बत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हस्ती है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी ज़िंदगी का सारी ज़िंदगी का खुलासा ये बयान करते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना फिर उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। फरमाते हैं हुजूर की मोहब्बत में ही मैं जिया, हुजूर की मोहब्बत में मरा, अगर ये मोहब्बत मेरे हिस्से में रही मेरे दिल में रही तो लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और इसी को अल्लामा इकबाल अपनी तर्ज में बयान करते हैं, बमुस्तफ़ा बरसा के खेशरा के दी हमाऊस्त, अगर बहू न रसीदी तमाम बूला बीस्त। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही असल ईमान है, असल निजात है, अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं है तो फिर ईमान भी कामिल नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटियों के अंदर तालीम हासिल की है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह दीनी मदारस मसाजिद के अंदर मदारस के अंदर तालीम हासिल करने वाले हैं, ज़माना भी दोनों का तकरीबन करीब करीब ही है। 1856 आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत है, 1877 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत है, दोनों का ज़माना करीब है, रास्ते दोनों के जुदा हैं। अल्लामा इकबाल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने वाले, जर्मनी तक तालीम हासिल करने के लिए चले गए और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसनद तदरीस पर बैठ कर काल अल्लाहु काला रसूलुल्लाह पढ़ा रहे हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो नज़रियात जो अफकार जो मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुसल्लाए रसूल पर मिंबरे रसूल पर बैठकर अवाम में मुंतकिल कर रहे हैं, वही नज़रियात वही इश्क मुस्तफ़ा अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़कर भी बता रहे हैं। मंजिल दोनों की एक थी, रास्ता एक था, महबूब एक था, तो दोनों का पैगाम भी एक था। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और फिर फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हैजान तुम्हारे लिए,
हम आए यहां तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला ने बता दिया कि जमीन व जमा भी हुजूर के लिए है, मकीन व मकान, ये कायनात में जो कुछ है ये सब हुजूर के सदके से है। और यही अल्लामा इकबाल की फिक्र है, वो फरमाते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैम अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। दोनों की फिक्र एक है, दोनों का नज़रिया एक है, एक यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के अंदर पढ़ रहा है, दूसरा मदारस के अंदर दीनी तालीम पढ़ता पढ़ाता सारी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन दोनों के नज़रियात और अफकार बताते हैं, चाहे कोई दुनिया की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाला हो, चाहे दीनी मदारस के अंदर तालीम हासिल करने वाला हो, मुसल्ला रसूल पर बैठ कर दीन का काम करने वाला हो, मिंबर रसूल पर बैठ कर इश्क मुस्तफ़ा बताने वाला हो, या यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ कर अशार लिखने वाला हो, अगर दोनों की मोहब्बत आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची है तो अल्लाह दोनों का मकाम मर्तबा अता फरमा दिया करता है। एक को शायर मशरक बना दिया, दूसरे को मुजद्दिद दीनो मिल्लत बना दिया। दोनों की मोहब्बत, दोनों का पैगाम एक था। आप फरमाते हैं, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसील बयान कर रहे हैं। नाम मोहम्मद कहाँ कहाँ पर है, कोई जगह ज़मीन की ऐसी खाली नहीं जहाँ पर नाम मोहम्मद ना हो। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। आप फरमाते हैं, कोई पहाड़ी इलाका हो, कोई बयाबान हो, कोई जंगल हो, कोई पहाड़ हो, कोई रेत का जर्रा हो, या फिर कोई सहरा हो, कोई समंदर हो, समुद्र की मौजें हो, समुद्र की तूफानी लहरें हो, कायनात का कोई एक जर्रा भी ऐसा नहीं है जहां नाम मोहम्मद पिनहा नहीं है। कोई जर्रा कायनात में ऐसा नहीं है जो नाम मोहम्मद से खाली हो, हर जगह पर नाम मोहम्मद है। और फिर फरमाते हैं, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है। अल्लामा इकबाल ने चीन का जिक्र क्यों किया, पढ़े लिखे हजरात जानते हैं आज भी दुनिया में चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा है। अल्लामा इकबाल के दौर में भी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा हिस्सा था, तो आबादी की कसरत बयान करने के लिए अल्लामा इकबाल ने चीन का जिक्र किया। और मराकश के बयाबानों का जिक्र क्यों किया, सब जानते हैं कि मराकश के सहरा मशहूर हैं, वहाँ पर आबादियाँ कम होती हैं और रेतला इलाका, बड़े बड़े दूर तक सहरा हैं, सहरा बड़े बड़े फैले हुए हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने बताते हैं कि कायनात में इंसानों की कसरत के हवाले से सबसे बड़े बड़े शहर हों या किल्लत के एतबार से सहरा हो, चाहे दुनिया में भरी हुई इंसानियत हो या कायनात में खाली सहरा हो, कोई जगह ऐसे नहीं है जो नाम मोहम्मद से खाली नजर आती हो, हर जगह नाम मोहम्मद है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, अल्लाह अकबर, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। और आखिर में फरमाते हैं, चश्मे अकवाम ये नज़ारा अबद तक देखे। आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हैं, हुजूर के तराने पढ़ते हैं, हर महफल के अंदर हुजूर की अजमत की आयतें पढ़ी जाती हैं, वरफ़ाना अलका ज़िक्रक। आप फरमाते हैं, चश्मे अकवाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़अत शान वरफ़ाना अलका ज़िक्रक देखे। बुलंद आवाज़ से कहे ना सुभान अल्लाह। कोई खाली जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर नाम मोहम्मद ना हो, कायनात के एक एक ज़र्रे में नाम मोहम्मद पिनहा और ज़ाहिर है। कोई कायनात का ऐसा हिस्सा नहीं है जो नाम मोहम्मद के सबब कायम ना हो, कायनात की हर चीज नाम मोहम्मद की वजह से है। इसीलिए तो शायर कहता है ना, नाम नबी दरखया अल्लाह ने खुद ख्याले, सबको आता है ना, मिलकर पढ़ लीजिए, नाम नबी दरखया अल्लाह ने खुद ख्याले, ए अजाना विच विनाले, ए नमाज़ा विच विनाले, ए अजाना विच विनाले, ए नमाज़ा विच विनाले, रब ऐस तो जुदा नहीं, नहीं नहीं रब ऐस तो जुदा नहीं, ना रब तुए जुदाए
सोना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है। ज़रात वकार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इश्क मुस्तफ़ा का दर्स दिया है और यही सबब है, यही वजह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र मिंबर रसूल पर होता है। वरना बड़े बड़े सियासतदान गुजरे, बड़े बड़े शुआरा गुजरे, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े एडवोकेट गुजरे, लेकिन किसी का भी जिक्र मिंबर रसूल पर नहीं होता। अगर अल्लामा इकबाल का जिक्र मिंबर रसूल पर होता है तो फ़कत इसलिए होता है कि अल्लामा इकबाल ने रसूल खुदा से वफा का दर्स दिया है और सारी ज़िंदगी इश्क मुस्तफ़ा में गुजारी है। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।